नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह नेगी और आइडिया फोर न्यूज़ पर आप सबका स्वागत है। हम हैं यहां पर देहरादून के घंटाघर पर और जहां पर लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है और किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं भेजा जा रहा है जब तक उसकी पूरी जांच पड़ताल न की जाए। क्योंकि इससे पहले कल जो 5 संदिग्ध जमाती जो मरकज से आए थे उनको लेकर जो खुलासा हुआ है तो 1-2 कॉलोनियाँ यहाँ पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई, सील कर दी गई है और इससे कहीं ना कहीं उन लोगों को बचाने का प्रयास है जो लोग उनके फैमिली के हैं, मोहल्ले के हैं और कहीं लोग इनके साथ जो मिले थे उनसे पूरी तरह उनको बचाने की कोशिश का प्रयास है। और ये क्षेत्र जो है लगता है काफ़ी दिन तक 14 दिन के लिए सील कर दिया गया है और सील के साथ साथ कोई भी आवाजाही जो भी है वहाँ पर बंद कर दी गई है और जो भी सामग्री मिल रही है उनको सामग्री सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर काफ़ी लोगों को संक्रमण की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में ऐसे लोगों को जो मरकज से आए थे और उन लोगों का जिस तरीके का व्यवहार रहा है, ना संपर्क किससे किया है, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और प्रयास प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है जिसके लिए आप सबको इसके साथ साथ सहयोग करने की। और जैसे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम को 9 बजे जो 9 मिनट का जो दिया जलाने की बात है या लाइट जलाने की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे साफ तौर पर ये पता चलता है कि हमारा भारत और हमारा देश जो कितना एकजुट है और ऐसे महामारी से बचने के लिए हर प्रयास करेगा। इसके लिए बहुत कुछ आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता है। आर्या फोर न्यूज़ के लिए अमित सिंह नेगी देहरादून।